अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हिस्टोग्राम के लिए हम हिस्ट नाम के फंक्शन का यूज करते हैं तो ऑप्शन नंबर बीस का करेक्ट आंसर हो जाएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू फिफ्टी फाइव बोल रहा है ब्लैंक डिस्क्राइब द नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स दैट फॉल विद इन स्पेसिफिक रेंज ऑफ वैल्यूज जो तो आप याद रखिएगा पाइप लॉट जो होता है वो आ, हम पाइपलॉट के द्वारा हम जो डेटा पॉइंट्स होते हैं वो डेटा पॉइंट्स की रेंज डिसाइड करते हैं यानी जो हमारी स्पेसिफिक रेंज होती है जी, जीरो से टेन टेन से ट्वेंटी ये सब जो रेंजेस होती हैं हमारी प्लॉट के अंदर

एफ आई जी हम इस वाले मेथड का यूज करते हैं ये जो फंक्शन है ये हमारे जितने भी मैट प्लॉट लिप के जितने भी फिगर हैं वो इसके अंदर सेव हो जाते हैं ये मैट प्लॉट लिप लाइब्रेरी के अंदर एक फंक्शन है जिसके द्वारा हम अपने फिगर्स को सेव करते हैं और इसको लिखने का मेथड होता है मैट प्लॉट लिप डॉट पाई प्लॉट और ये स्पेस नहीं है बीच में पाई प्लॉट और उसके बाद सेव फिगर जो भी हमें फिगर को सेव करना है ये एक फंक्शन होता है ये एक मेथड होता है जो हमारी किसके अंदर होता है जो पाइप प्लॉट के के अंदर अंदर हमारी लाइब्रेरी होता है सो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी मतलब फॉल्स ये ऐसा सेव ग्राफ नाम का कोई भी फंक्शन नहीं होता सेव फिगर नाम का फंक्शन यूज करते हैं जो पाइप पाइप्लॉट पे मेट प्लॉट नाम की लाइब्रेरी के अंदर होता है क्वेश्चन नंबर टू की तरफ है। चलते हैं डेटा विजुअलाइजेशन रिफर्स टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑफ इंफॉर्मेशन डेटा जो डेटा uh, विजुअलाइजेशन है वो graphical ग्राफिकल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इंफॉर्मेशन और यह डेटा का बिल्कुल सही बात है हमारे जो डेटा या इंफॉर्मेशन है अगर हमें हमें उसका उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए है, तो हम लोग उसको उसके लिए डेटा विजुलाइजेशन का यूज करते हैं तो ऑप्शन नंबर वन इसका करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल सही बात है ये क्वेश्चन नंबर टू फिफ्टी एट की तरफ चलते हैं इसमें से हमसे पूछा रहा है वेलिड आइडेंटिफाइड क्या होगा देखो बेसिकली जो होता है हमारा जो फॉर होता है इफ होता है एल्स होता है रिटर्न uh, है ये सारे हमारे ये सब क्या है कीवर्ड है लेकिन यहाँ पर हम लेकिन क्योंकि पाइथन क्या है केस सेंसिटिव लैंग्वेज ठीक है तो पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है और कीवर्ड जितने भी होते हैं एज इट इज जैसे लिखे होते हैं हमें वैसे ही यूज करने होते हैं फॉर को स्मॉल में दिया हुआ है पाइथन ने एज अ कीवर्ड तो हमें स्मॉल में यूज करना है अगर हम इसको कैपिटल में लिख दें तो ये एज अ कीवर्ड की तरह नहीं ट्रीट होगा ये एज अ आइडेंटिफायर की तरह ट्रीट होगा तो यहाँ पे देखो एफ कैपिटल है आई एफ ये कैपिटल है रिटर्न आर कैपिटल है तो ये एज अ आइडेंटिफायर की तरह ट्रीट होंगे तो दीज आर ऑल वैलिड आइडेंटिफायर अगर ये स्मॉल में लिखा होता

और इसके अंदर 12.5 दिया हुआ है तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि हमको ये एज अ स्ट्रिंग की तरह ट्वीट होगा तो यहां पे ये बिल्कुल गलत हो जाएगा तो इसका ऑप्शन नंबर फोर हो जाएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक सेकेंड क्वेश्चन नंबर टू सिक्सटी की तो क्वेश्चन नंबर टू सिक्सटी क्या बोल रहा है एक सेकेंड वेट करिएगा क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू सिक्सटी हम्म क्वेश्चन नंबर टू सिक्सटी वन देखिए क्वेश्चन नंबर टू सिक्सटी वन में बोल रहा है कि ये

करेंट इेशन ऑफ द लूप ये किसके द्वारा होता है तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका कंटिन्यू क्या हो जाएगा तो कंटिन्यू जो हमारा लूप होता है वो गो बैक हो जाता है और एबंधन का मतलब भी यही है कि हमारी जो सिचुएशन है वो वापस से वहीं पर आ जाए मतलब उसको छोड़कर बाकी सारी चीजों को लेना एबंधन मतलब जो जो पर्टिकुलर सिचुएशन है उसको एक तरह से इग्नोर करके बाकी सारी चीजों को ले लेना तो करंट इटरेशन ऑफ द लूप मतलब उसको छोड़ना और बाकी जितनी भी है जैसे कोई भी हमारा दिया हुआ है कोई भी सिचुएशन दी है तो ए एज ग्रेटर देन फाइव है तो जहां पर ग्रेटर देन इक्वल ए इज इक्वल टू फाइव है तो जहां पर भी फाइव मिल जाए ए की वैल्यू फाइव और फाइव हो जाए उसको छोड़ दे बाकी वन से फोर तक की सारी वैल्यू और उसके बाद की सारी वैल्यू ले ले तो इसका मतलब ये हो गया कंटिन्यू ठीक है

तो इसके लिए हम एक फंक्शन यूज कर रहे हैं, टिक्स और टिक्स. 265 की चलते हैं अब बार चार्ट कैन हैव बार चार्ट में डिफरेंट कलर्स ऑफ बार मतलब इस तरीके का हमारा बार चार्ट है उसमें हम डिफरेंट कलर ऑफ ये रेड ग्रीन येलो ये सब हम ले सकते हैं तो इसमें डिफरेंट कलर हम ले सकते हैं क्वेश्चन नंबर टू सिक्सटी थ्री सिक्स की तरफ चलते हैं वैल्यू

टू सिक्सटी सेवन दो बार लिख दिया है क्वेश्चन अलग है तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व पैरामीटर द लाइन लाइन चार्ट स्टाइल ऑफ लाइन चार्ट स्टाइल ऑफ लाइन चार्ट के लिए हम लाइन स्टाइल का कर यूज करते हैं ठीक है थीके? तो इसको आप ठीक कर लीजिएगा मतलब नंबरिंग गलत हो गई ये क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा लाइन स्टाइल लाइन स्टाइल पैरामीटर चेंज द लाइन स्टाइल ऑफ द लाइन चार्ट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर टू सेवन सिक्सटी नाइन देखो वो टू सिक्सटी एट होगा इस वाले क्वेश्चन का नंबर चेंज कर लीजिएगा इसको टू सिक्सटी सेवन हमारा ऑलरेडी हो चुका था इसको टू सिक्सटी एट कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर टू सिक्सटी नाइन में पैरामीटर चेंज हाँ लेकिन क्वेश्चन रिपीट हो गया है तो इसका आंसर लाइन चार्ट हो लाइन स्टाइल हो जाएगा क्वेश्चन यही है पैरामीटर जो लाइन स्टाइल को लाइन चार्ट में चेंज करता है उसके लिए हम लाइन स्टाइल का यूज़ करते हैं क्वेश्चन नंबर टू uh, सेवेंटी में क्या बोल रहा है जो कलर है कलर कोड ऑफ के रिप्रेजेंट तो जो के यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं जब हमें ब्लैक ब्लैक का कलर डिजाइन करना हो मतलब हमें हमें जब ब्लैक कलर लेना हो तब हम के का यूज करते हैं और जब आ, हमने के का यूज क्यों किया ब्लैक में बिकॉज ऑफ कि हम ब्लू के लिए ऑलरेडी बी ले चुके हैं तो बी का मतलब ब्लू एंड के का मतलब ब्लैक एंड ऐसी जी का मतलब ग्रीन और रेड आर का मतलब रेड लेकिन बस यहाँ पर पूछने पूछेगा वो के का ही मोस्टली क्योंकि के में क्या है ना हमें दिख रहा अलग है लेकिन हम नम, क्या यूज कर रहे हैं उसके लिए ब्लैक के लिए तो ब्लैक, लिए कलर, आ, ब्लैक के लिए हम हम क्या कलर कलर ब्लैक के के लिए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर 271 इसमें बोल रहा है जो बॉर्डर कलर है में एट्रीब्यूट चेंज जो हिस्टोग्राम का बॉर्डर कलर है उसके लिए हम किसका यूज करनी है तो उसके लिए हम यूज करते हैं है एज कलर का तो जो एज कलर होता है वो हमारे बॉर्डर कलर के बॉर्डर का कलर चेंज कर देता है एज कलर एक है जो हमारे बॉर्डर का कलर चेंज कर देता है क्वेश्चन तो प्लॉट क्या है एल आई ठीक है एल प्लॉट क्या है यहाँ पे इम्पोर्ट मैट प्लॉट लिव लाइब्रेरी यूज की पाइपलॉट uh, में एज अ पी एल टी तो यहाँ पे जो पीएलटी है हम अगर हम लोग सिर्फ ये दे देंगे आ, इम्पोर्ट लिफ तो हमारा प्रोग्राम गलत नहीं होगा लेकिन हमने SPLT क्यों लिखा है एलियस जैसे कि एलियस का मतलब क्या होता है इसको जो भी करते हैं इसका मतलब ये होता है जैसे कि आप लोगों का निक नेम होता है ना आपको घर पर किसी और नेम से बुलाते हैं और इनफॉर्मल तरीके से आपका नेम कुछ और होता है इस डॉक्यूमेंटेशन पर तो बस वही वही है बेसिकली इसका नाम जो है को एज अ शॉर्ट फॉर्म में हमने पीएलटी लिखा है तो इस पी को हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एलियस ठीक है पीएलटी हुआ या हम लोग किसी और जैसे हम लोग बोलते हैं इम्पोर्ट पांडास यहाँ पर उधर पी का मतलब क्या हो गया पी एक निक एक नॉर्मल भाषा में लेकिन इन प्रोग्रामिंग हम उसको बोलते हैं एलियस एलियस से एलिस जो भी होता है आप याद रखिएगा ठीक है क्वेश्चन नंबर 273 में विच ऑफ द फॉलोइंग Is use to a bar chart. तो बार चार्ट के लिए हम यूज करते हैं प्लॉट तो का तो इसका ऑप्शन का यूज करते हैं तो जब भी हमें बार चार्ट क्रिएट करना होता है तो हम किस फंक्शन का यूज करते हैं हम यूज करते हैं बार फंक्शन का बार मेथड का ऑप्शन नंबर टू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर टू सेवेंटी फोर की तरफ चलते हैं टू तो स्पेसिफाई दाइन डैश 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 तो ये जो डैश 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 नाम की लाइन है अब अगर हमें अपने प्लॉटिंग में देनी है तो प्लॉट फंक्शन में अगर हमें इस लाइन को देना है तो हम किस चीज का यूज करेंगे हम लोग यूज करेंगे लाइन स्टाइल का तो जो जैसे हमारी स्ट्रेट लाइन है कोई ज्यादा वृत्त वाली लाइन है हमारी डैश डैश है इसमें डॉट डॉट है इस तरीके की जो चीजें हैं वो बेसिकली क्या है लाइन स्टाइल तो हम उसके लिए यूज करते हैं आर्गुमेंट लाइन स्टाइल क्लियर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू सेवेंटी फाइव तो 275 है जो ईओ ऑफ एफ है तो यूएफ e का मतलब होता है एंड ऑफ फाइल तो बेसिकली जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है तो डॉक्यूमेंट में हमारी जो फाइल है जैसे कि यहाँ पर हमने कोई भी डॉक्यूमेंट लिखा है तो एक टर्म आता है ईओएल दैट इज एंड ऑफ लाइन अगर हमारी कोई भी हमने लाइन है जैसे ये लाइन है अगर हमसे बोला बुल, जाए इस लाइन में एंड ऑफ लाइन क्या है तो जो ये पॉइंट होता है यहाँ पर जो पॉइंटर होता है वो होता है ई ओ एल एंड ऑफ लाइन और अगर हमारा पूरे डॉक्यूमेंटेशन में हमने सारा काम फिनिश कर दिया तो जो यहाँ पर पॉइंटर होता है वो होता है ई ओ एफ यानी एंड ऑफ फाइल हमने फाइल का एंड कर दिया इज इट ओके क्वेश्चन नंबर टू सेवेंटी सिक्स की तरफ चलते हैं ट्राइंग टू ओपन अ बाइनरी फाइल यूजिंग अ टेक्स्ट एडिटर Uh, जो बाइनरी फाइल को हम टेक्स्ट एडिटर में ओपन करते हैं तो वो क्या रिटर्न करता है वो क्या शो करता है हमें गार्बेज वैल्यूज शो करता है क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर टू सेवेंटी सिक्स की तरफ चलते हैं देखो यहाँ पर भी नंबरिंग का इश्यू है तो आप उसको ठीक कर लीजिएगा ये टू सेवन होना चाहिए टू सेवेंटी सेवन होना चाहिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड मोड ऑफ ओपनिंग तो जो ओपनिंग के मोड मतलब जो हमारी फाइल होती है उनके मोड होते हैं रीड मोड होता है इसको हम आर से डिनोट करते हैं राइट मोड होता है इसको हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं अपेंड मोड होता है इसको हम यूज करते हैं ए से ठीक है अब इसके अलावा हमारा रीड रीड बाइनरी होता है अपेंड बाइनरी होता है राइट बाइनरी होता है यानी अब हम इसको बाइनरी में ओपन कर सकते हैं हम इसको अपेंट प्लस भी लिख सकते हैं राइट प्लस रीड प्लस भी लिख सकते हैं राइट प्लस भी लिख सकते हैं यानी अब इसके मतलब हम इसके अंदर और भी फीचर्स ऐड कर सकते हैं प्लस के अंदर मतलब राइट जैसे अगर राइट में प्लस लगाए इसका मतलब हम इस कोई भी फाइल को रीड भी कर सकते हैं राइट भी कर सकते हैं रीड में प्लस लगाए यानी हम उसको रीड भी कर रहे हैं राइट भी कर रहे हैं सेम इसके अंदर अब और अब हमारा एक फंक्शन हो जाता है कि हम रीड के संग राइट मोड का जो यूज है क्वेश्चन नंबर uh, 276 है तो एक सेकेंड हाँ तो जो रीड के राइट है राइट हम रीड ओनली मोड यूज कर सकते हैं राइट ओनली मोड यूज कर सकते हैं uh, और इसके अलावा हम राइट एंड अपेंड मोड जो होता है वो हम कभी यूज नहीं कर सकते हम रीड एंड राइट मोड यूज कर सकते हैं लेकिन राइट एंड अपेंड मोड यूज नहीं कर सकते रीजन बिहाइंड की जो रीड का मतलब हो गया सिर्फ पढ़ना राइट right का मतलब हो गया लिखना और अपेंड का मतलब भी हो गया लिखना लेकिन अपेंड और रीड में इतना फर्क है कि जो राइट है राइट में हम एक बार में जो लिख लिया अब हम उसमें चेंजेस नहीं कर सकते लेकिन अपेंड में हम चेंजेस भी कर सकते हैं तो रीड अपेंड और राइट में ये डिफरेंस हो गया अब राइट और अपेंड अप राइट का मतलब भी लिखना अपेंड का मतलब भी लिखना तो दोनों मोड साथ में कभी भी यूज नहीं होते तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी क्वेश्चन नंबर टू सेवेंटी सेवन की तरफ चलते हैं इसमें बोल रहा है हमसे जो मॉड्यूल है इम्पोर्टेड अगर हमें इसके लिए एक इम्पोर्ट फाइल बनानी है तो हम किसके लिए यूज करेंगे इम्पोर्ट इम्पोर्ट एस वाई एस यही तो बनाएंगे तो इसके लिए क्या हो जाएगा इम्पोर्ट एस वाई एस यही पूछ रहा है किस मॉड्यूल का यूज करेंगे इम्पोर्ट एस वाई एस हम यही तो बनाएंगे ना इसके लिए क्योंकि तो ये एज अ हमको इसके लिए दिया हुआ है एज अ फंक्शन इसका इससे वर्क कर रहा है तो हम यूज करेंगे यहाँ पे इम्पोर्ट एस वाई एस क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट टू सेवेंटी देखो यहां पर क्या हुआ था टू सेवन सेवन हो गया था ये एंड टू सेवेंटी एट हो गया था क्वेश्चन और नाउ हम कर रहे हैं टू सेवेंटी नाइन तो टू सेवेंटी नाइन में बोल रहा है जो इंपोर्ट करना है सी एस वी फाइल है हमारी इसको हम इंपोर्ट करेंगे उसके बाद एफ ओपन डेटा सी एस वी और आर यहां पर रो नाम का एक फंक्शन है जिसके वेरिएबल है जिसके हमने जिसके अंदर हमने एक सेकेंड देखिए राइट करना है हमको फॉलोइंग कोड इसमें इंपोर्ट सीएसवी है और हमारी जो ओपन फाइल है डेटा सीएसवी रीड मोड इसमें रो नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर हमने रीडर सी एस वी डॉट रीडर को आ, पास किया हुआ है प्रिंट कराना है हमें रो पर तो अभी क्या होगा हमारा जो पॉइंटर होगा सी एस वी फाइल का वो यहाँ पर होगा रो पर आ, उसके बाद जो रीडर नाम का हमारा फंक्शन है रीडर जो यूज करते हैं वो सी एस पी फाइल को जनरेट करने के लिए यूज करते हैं रीडर का हम यूज करते हैं सी एस पी फाइल को जनरेट करने के लिए अब हमसे ऑप्शन देखते हैं आउटपुट पूछ रहा है इट प्रिंट्स द मेमोरी एड्रेस वेयर सी एस वी रीडर ऑब्जेक्ट इज स्टोर्ड यहाँ पे क्या आना चाहिए ठीक ठीक है 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 थोड़ा सा तो हो सकता है इट प्रिंट्स द फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ दी एसवी तो ये फर्स्ट रिकॉर्ड की कोई बात नहीं कर रहा इट प्रिंट्स ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ डेटा मतलब ये भी इसकी बात नहीं कर रहा इसका आंसर जाएगा हमारा जो पर हाँ, पर क्या है? Pointer. यहाँ पर क्या है pointer. Uh, जो हमारा होता है हमारा हमारा और जो रीडर नाम का फंक्शन होता है ये क्या करता है सीएसवी फाइल को जनरेट पॉइंट सीएसबी पॉइंटर को जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है सीएसवी पॉइंटर को जनरेट करता है वो क्या करता है हमारा मेमोरी का जो एड्रेस होता है सीएसवी रीडर का वो स्टोर करा देता है क्वेश्चन नंबर एट्टी की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर एट्टी क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर देखते हैं। ब्लैंक फंक्शन टू रीड द सीएसवी सीएसवी फाइल। फाइल तो को रीड करने के लिए हम किस फंक्शन का यूज करते हैं रीडर uh, का किसका यूज करते हैं हम रीडर का तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 281 की तरफ चलते हैं इसमें बोल रहा है मेथड रिटर्न का इंटीजर वैल्यू तो इसमें से इंटीजर वैल्यू क्या रिटर्न करेगा देखो पहला हम सब, सबसे पहले सबकी बात कर लेते हैं सीक जो फंक्शन होता है सीक सी uh, जो फंक्शन होता है सी क्या करता है हमें करंट पोजिशन पॉइंटर में मूव कराता है जो हमें करंट पोजिशन है करेंट पोजिशन पॉइंटर की मूव कराता है ठीक है रीड फंक्शन क्या करता है करेक्ट करेक्टर को रीड करता है जो लाइन होती है लाइन के करेक्टर को रीड करता है जो टेल फंक्शन होता है ये हमें क्या करता है ये एक्चुअल पोजिशन बताता है और इंटीजर रिटर्न कराता है तो हमसे बस यही पूछ रहा है कि इंटीजर कौन सा रिटर्न कराता है देखो सीक का यूज करते हैं करंट पोजिशन को रिटर्न कराने के लिए टेल का यूज करते हैं एक्चुअल पोजिशन को रिटर्न कराने के लिए लेकिन ये हमें इंटीजर फंक्शन इंटीजर में वैल्यू रिटर्न कराता है इंटीजर में वैल्यू रिटर्न कराता है अब रीड का फंक्शन रीड जो फंक्शन है उसका यूज करते हैं हम करेक्टर को रिटर्न कराने के लिए यानी अगर हमें कोई लाइन है तो उसमें ये करेक्टर बाई करेक्टर रीड करेगा उसके अलावा जो रीड लाइन है ये हम रीड लाइन का यूज करते हैं स्ट्रिंग को रिटर्न करने के लिए जब हमें स्ट्रिंग को रिटर्न करना हो तब तो हम रीड लाइन का यूज करते हैं लेकिन अगर हमें लिस्ट को रिटर्न करना हो तो हम रीड लाइन्स का यूज करते हैं याद रखना तीन फंक्शन है रीड रीड लाइन और रीड लाइन्स रीड मतलब करेक्टर को रीड करना रीड लाइन मतलब स्ट्रिंग को रिटर्न करना और रीड लाइन मतलब लिस्ट को रीड करना और रिटर्न करना क्लियर जब एल आई एन ई एस रीड लाइन्स की बात है यानी लिस्ट रीड लाइन की बात है यानी स्ट्रिंग और रीड की बात है यानी करेक्टर सी की बात है करेंट पोजिशन टेल की बात है एक्चुअल पोजिशन विद इन टीजर क्लियर हुआ

ब्लैंक है उसको फिल करना है हमको बोल रहा है इम्पोर्ट पिकल इम्पोर्ट है हमने मतलब अपनी लाइब्रेरी इम्पोर्ट पिकल नाम से एक लाइब्रेरी इंपोर्ट की है जो कि हमें बाइनरी से रिटर्न टेक्स्ट कोड में रिटर्न कराएगा एफ ओपन डेटा डॉट डे डी ए टी नाम की हमारी एक टेक्स्ट फाइल है अब उसमें जो हमारी बोल रहा है अब देखो यहाँ से आपको समझने वाली चीज है कि ये बोल रहा है आर बी मतलब रीड और रीड क्या करेगा बाइनरी ठीक है तो यहां से हम रीड बाइनरी उसके बाद पिकल में हमें ब्लैंक बोल रहा है अब पिकल के दो फंक्शन होते हैं डंप और लोड पिकल के दो फंक्शन होते हैं डंप और लोड डंप और लोड ये दो फंक्शन होते हैं पिकल के ये बात आपको याद रखनी है अब दोनों में फर्क क्या है जो लोड होता है वो यूज करता है राइट और रीड के लिए रीड के लिए मतलब अगर हमें किसी फंक्शन में रीड और राइट दोनों करना हो तो हम उस कंडीशन में यूज यूज कर, करेंगे लोड का लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ रीड करना हो सिर्फ और सिर्फ क्या करना हो रीड करना हो तो हम दम फंक्शन का यूज करेंगे उसके अलावा जो आ, हमारी जो उसके एक सेकंड उसके अलावा उसके अलावा जो डम फंक्शन होता है ये दो आर्गुमेंट पास कराता है लेकिन जो लोड फंक्शन होता है वो हमें एक ही आर्गुमेंट पास कराता है और यहाँ पे सिंपल तरीका इसको समझने का यहाँ पे हमें ब्लैंक सिर्फ एक दिया है और एक ब्लैंक दिया यानी हमें एक आर्गुमेंट की बात हो रही है और एक आर्गुमेंट किस में पास होता है एक आर्गुमेंट हमारा पास होता है किस में लोड में और अगर दो आर्गुमेंट यहाँ पे हमें दो ब्लैंक दे रहा होता है यानी वो डम की बात करता क्लियर समझ में आए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा लोड क्लियर टू एटी फोर की तरफ चलते हैं इसमें बोल रहा है ब्लैंक ब्लैंक एक हमें है, फिर हमें फिर कोड दे रहा है फाइल उसके बाद ऑब्जेक्ट सी ऑफसेट रेफरेंस पॉइंट अब वैल्यू ऑफ रेफरेंस पॉइंट इंडिकेट जो सी फंक्शन होता है तो सी फंक्शन क्या करता है करेंट करेंट पोजिशन पर हमारे पॉइंटर को मूव करता है पहली चीज करेंट पोजीशन uh, पे हमारे पॉइंट को मूव करता है रेफरेंस पॉइंट पर करेंट पोजीशन के अगर बाय डिफॉल्ट हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है कोई भी रेफरेंस वैल्यू नहीं है तो ये हमें uh, जो लाइन है हमारी वो एंड ऑफ लाइन जीरो पे पास करेगा यानी जैसे कि फॉर एग्जांपल हम मैंने लिखा हेलो एवरीवन ठीक है तो यहाँ पर मेरी जो करेंट पोजिशन है अगर मुझे कोई भी नहीं दी है तो वो जीरो पे यानी जीरो इंडेक्सिंग पे पास करेगा तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा वन जीरो क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर की तरफ मूव करते हैं नाउ तो 285 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट उसमें हमें स्टेटमेंट पढ़नी है इफ वी ट्राई टू राइट इन टेक्स्ट फाइल दैट डज नॉट एग्जिट एन एरर अगर कोई राइट फाइल जो हमारी टेक्स्ट फाइल है इफ वी ट्राई टू राइट इन अ टेक्स्ट फाइल दैट मीन डर हमारी कोई टेक्स्ट फाइल में अगर हम लिखने की कोशिश करते हैं और वो जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो हमें वो क्या दे देगा एरर दे देगा ये बात बिल्कुल गलत होगी अगर हमारी कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं करती हम एक नई फाइल बना सकते हैं हम उसे क्रिएट कर सकते हैं अगर हम कुछ भी टेक्स्ट फाइल में अपनी टेक्स्ट फाइल में कुछ भी राइट करते हैं तो वो एक हमें न्यू फाइल जनरेट हो जाती है तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत रहेगा इफ यू राइट डज नॉट एक्सेटेड अगर तो अगर क्या आपने नॉर्मल डॉक्यूमेंट पढ़ा सिर्फ पढ़ा सिर्फ रीड किया तो क्या वो फाइल क्रिएट होगी पढ़ने से क्रिएट कहां से होगी तो एक कॉमन सेंस की बात है तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा कुछ ऑप्शन नंबर थ्री की तरफ चलते हैं इफ वी राइट ऑन अ टेक्सट फाइल That does not exist. अगर आप कोई टेक्स्ट फाइल है जो आपके कंप्यूटर में आपके सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करती तो वो क्या हो जाएगा वो फाइल हमारी क्रिएट हो जाएगी बिल्कुल सही बात है अगर कोई भी फाइल आपके सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करती लेकिन स्टिल आप कुछ ना कुछ टेक्स टाइप करते हैं तो एक फाइल क्रिएट हो जाएगी तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 286 क्वेश्चन नंबर 286 क्या बोल रहा है अमित है अमित कोई पर्सन है तो वो किसी ब्लैंक फाइल में वर्क कर रहा है अब क्या बोल रहा है अब देखो एफ इजिक्स टू ओपन हमको एक सिंटेक्स uh, दिया हुआ है कि जो एफ है ओपन है सीरीज ठीक है भाई डेटा नाम की हमारी कोई फाइल है आर बी दिया है यहां से ही समझ लो भाई आर बी दिया है मतलब आर मतलब रीड बी मतलब बाइनरी तो जब आर भी साथ में मिल जाते हैं तो वो बात हो जाती है बाइनरी फाइल की तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें कोई शक क्वेश्चन नंबर टू एटी सेवन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू एटी सेवन बोल रहा है मेथड इज यूज्ड टू रीड ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ बाइनरी फाइल कि ऐसा मेथड यूज करना है जो बाइनरी फाइल के ऑब्जेक्ट को बाइनरी मेथड यूज टू रीड ऑब्जेक्ट फ्रॉम अल्जेक्ट binary file. Binary file को रीड करने के लिए हम किस किस फंक्शन का यूज करते हैं तो सीधी सी बात लोड का यूज करते, है, करते हैं किसके लिए ठीक है और जो डम्प यूज करते हैं वो डम्प यूज करते हैं ओनली राइट के लिए तो डम्प का मतलब सिर्फ राइट लोड का मतलब और हाँ यहाँ पे राइटर आ नहीं सकता राइट आ नहीं सकता क्योंकि फाइल बाइनरी की हो रही है binary, मतलब पिकलिंग पिकलिंग मेथड की यूज हो रही है pickling, pickling जो function होता है pickling जो method होता है जो जो फंक्शन होता होता मेथड उसके अंदर दो ही फंक्शन होते हैं लोड और डम्प तो यहाँ पे आता है ऑप्शन लोड होगा या डम होगा लोड इसीलिए होगा क्योंकि लोड का मतलब होता है रीड और राइट डम्प का मतलब होता है सिर्फ राइट right, तो हमें क्या करना है भाई रीड करना है तो रीड किस 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 में आता है लोड में तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोई शक क्वेश्चन नंबर टू एट की तरफ चलते हैं व्हाट इज द व्हाट इज टू बी एडेड एज अ मोड टू ओपन फाइल इन अ टेक्स्ट मोड तो हमें टेक्स्ट मोड में कोई फाइल को ओपन करना है तो इसमें क्या है जब हम टेक्स्ट मोड में कोई भी फाइल को ओपन कर रहे हैं तो कुछ भी स्पेसिफाई नहीं होगा कुछ भी स्पेसिफाई नहीं होगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो हमारी फाइल होती है वो टेक्स्ट मोड में अरे अभी जो मेरी फाइल ओपन है वो टेक्स्ट मोड में ही ओपन होती है उसके लिए मुझे किसी मोड को लगाने की आवश्यकता तो नहीं है ना नॉर्मल हमारी जो फाइल होती है हमारे सिस्टम में वो किस में होती है टेक्स्ट मोड में तो टेक्स्ट मोड को लगाने के लिए हमें किसी स्पेशल मोड की आवश्यकता नहीं होती तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा वो यही बोल रहा है नथिंग टू तो स्पेसिफाई बाई डिफॉल्ट इट विल ओपन इन द टैक्स मोड क्वेश्चन नंबर टू एटी नाइन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू एटी नाइन क्या बोल रहा है देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू एटी विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड नॉट रिटर्न द नंबर ऑफ करेक्टर रिटर्न इन द फाइल तो क्या बोल रहा है भाई कि मेथड है जो डज नॉट रिटर्न जो डज नॉट रिटर्न द क्या नहीं रिटर्न करेगा करेक्टर्स रिटर्न इन अ फाइल फाइल में करेक्टर को रिटर्न नहीं करेगा पहली चीज जो राइट होता है हमारा तो राइट हमारे करेक्टर को ही रिटर्न करता है राइट किस लिए यूज करता है करेक्टर को रिटर्न करेक्टर को रीड करने के लिए करेक्टर को राइट करने के लिए तो करेक्टर के लिए तो राइट होता है यहां पे क्या बोल रहा है डज नॉट हम क्या यूज करते हैं डज नॉट का मतलब राइट लाइन बिकॉज right राइट लिए यूज होता है लिस्ट के लिए और यहाँ पे क्या बोल रहा है करेक्टर रिटर्न नहीं करे भाई करेक्टर राइट right में रिटर्न करता है राइट right में तो लिस्ट रिटर्न करता है तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर टू नाइनटी की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू नाइनटी क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर टू नाइनटी बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज रिटर्न टू गिव इन कोर्ट इसमें हमें एरर बतानी है ठीक है भाई यहाँ पे हमको बोल रहा है राइट फंक्शन में 345 और 345 एक इंटीजर है यहाँ पर हमको टेक्स्ट फाइल बोल रहा है अब टेक्स्ट फाइल और इंटीजर फाइल का कुछ समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या बोल रहा है ये हमारा एक इंटीजर है ये हमारा एक टेक्स्ट है अब राइट 345 फोर्टी फाइव इज एन इंटीजर वी रिटेन एज अ स्ट्रिंग और हम इसको इंटीजर को स्ट्रिंग की तरह लिख रहे हैं तो भाई आ जाएगा एरर और एरर क्या आ जाएगा एरर कौन सी एरर आएगी टाइप एरर ऑप्शन नंबर बीस का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर टू नाइनटी वन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू नाइनटी वन बोल रहा है राइट द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज राइट डेटा इन अ फाइल तो राइट डेटा इन अ फाइल के लिए हम किस मेथड का यूज करते हैं भाई डेटा राइट 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 के लिए का का यूज यूज करते करते हैं का भी करते हैं लाइन भी ये हम करेक्टर को राइट करने के लिए लिखते हैं ये हम लिस्ट को राइट करने के लिए लिख रहे हैं लेकिन हमको यहाँ को राइट करना है कि करेक्टर को राइट करना है हमें डेटा ऑफ फाइल को फाइल तो हमारी लिस्ट भी है फाइल तो हमारी करेक्टर भी है फाइल तो हमारा टेक्स्ट भी है तो यहाँ पे नॉर्मली हमारे टेक्स्ट को लिखने की बात करा है तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर टू नाइन टू की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू नाइनटी टू बोल रहा है मोहन एक पर्सन है भाई उसे वो चाहता है टू ओपन कंटेंट कुछ और कंटेंट को एड करने के लिए एग्जिस्टिंग फाइल सजेस्टेबल मोड उसको मोड सजेस्ट करो भाई एक मोहन नाम का पर्सन है उसको अपनी फाइल में कुछ और एक्स्ट्रा लिखना है कुछ और एक्स्ट्रा अपडेट करना है तो याद रखना रीड से तो वो कर नहीं सकता राइट में क्या होगा सिर्फ राइट करेगा उसको अपडेट नहीं कर सकता उसको चेंज नहीं कर सकता एक बार जो फाइल एग्जिस्ट है जो बना बना ली, बना ली, मतलब no मोड है कि भाई अपेंड बना ही इसलिए कि अगर आपने कुछ राइट करा है तब भी आप चेंजेस कर सकते हो तो आपको चेंजेस का ऑप्शन कौन देता है राइट अपेंड मोड तो अपेंड मोड इसका करें भाई मोहन से बोला ठीक है भाई आप अपनी जो एग्जिस्टिंग फाइल है उसमें जो आपने ऑलरेडी बनाई हुई है उसमें चेंज कर लो तो एपेंड नाम का फंक्शन इसमें कॉल हो जाएगा तो एपेंड मोड इसका सही आंसर हो जाएगा तो append एक मोड है ठीक है तो मोहन इसको यूज कर लेगा अपनी एग्जिस्टिंग फाइल में चेंजेस करने के लिए क्वेश्चन नंबर टू नाइनटी थ्री की तरफ चलते हैं टू नाइन्टी थ्री बोल रहा है कि राइटर स्टेटमेंट टू रीड फाइव करेक्ट फाइव करेक्टर फ्रॉम अ फाइल ऑब्जेक्ट एफ तो फाइव करेक्टर को क्या करना है भाई रीड करना है तो रीड के लिए हम फाइव करेक्टर को जब हमें रीड करना है तो सिंपल एफ एफ डॉट डॉट फाइव फाइव रीड 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 इसका यूज करेंगे ठीक है क्योंकि रीड्स हम यहाँ पर यूज नहीं करते हैं और इसमें हमें हमें पाई डिफॉल्ट ऐसा तो नहीं है ना फाइव ले लेगा तो यहाँ पे एफ डॉट रीड फंक्शन का हम यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर टू फिफ्टी टू फोर की तरफ चल रहा है ये बोल रहा है फॉलोइंग मोड ओपन बाइनरी एंड बाइनरी और रीड कितनी बार आ गया बी बाइनरी और रीड ठीक है क्लियर अब तो ये क्वेश्चन हो जाने चाहिए सभी से कितने सिंपल क्वेश्चन से अगेन भाई रवि ज्यादा ही पसंद है इनको एग्जाम्स वालों को तो रवि को बार बार लेके आ रहे हैं रवि ओपन अ फाइल इन अ पाइथन यूजिंग ओपन ठीक है

क्लोज हो जाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है क्वेश्चन नंबर टू अब देखो भाई यहाँ से क्वेश्चन थोड़े से बीच में टू ये क्वेश्चन टू 298 एट टू नाइनटी एट है टू एट तक मैंने करा दी है टू नाइनटी नाइन और थ्री हंड्रेड इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहे इस फाइल में इस वजह से मैं ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी दो क्वेश्चन इस फाइल में नहीं है फिर ऐसे ही दो क्वेश्चन छूटते जाते हैं तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें थैंक यू वेरी मच मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में